गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू ऑब्ली प्रेप्स। आप सभी को ऑब्ली प्रेप्स में स्वागत है। माई नेम इज आकांक्षा सिन्हा और हम यहाँ पे करंट अफेयर सेशन करेंगे। तो आज है मंडे और आज हम करेंगे वीकली क्विज। तो आज का हमारा जो क्विज का सेक्शन जो रहेगा, जो करंट अफेयर का सेशन रहेगा, उसमें हम 27 मई से 2 जून तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, जो भी वीक, पूरे एक वीक का जो भी करंट अफेयर है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो पूछा जा सकता है, वो सारा हमने इसमें इंक्लूड किया है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके थ्रू आप ये चेक भी कर सकते हैं कि पिछले पूरे एक वीक का करंट अफेयर आपका कितना तैयार है। तो हमारे साथ आप अंत तक जुड़े रहे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, देखते हैं कि क्या क्या वीकली क्विज में क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर हैज द फर्स्ट UN हैबिटेट असेंबली स्टार्टेड। ऑप्शन है केनिया, ऑप्शन बी है तंजानिया, ऑप्शन सी है इथियोपिया, ऑप्शन डी है साउथ सूडान। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए केनिया। तो पहली UN हैबिटेट विधानसभा जो है वो कहाँ पे शुरू हुई थी? केनिया में शुरू हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द स्पेशल थीम फॉर द UN हैबिटेट असेंबली 2019, यानी कि UN हैबिटेट विधानसभा 2019 का विषय, विशेष विषय क्या रहा है, ये हमें बताना है। सो ऑप्शन देख लेते क्या है। ऑप्शन ए है इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज एंड कम्युनिटीज, ऑप्शन बी है इनिशिएटिव्स फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल इन ए सोसाइटी, ऑप्शन सी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वालिटी फॉर लाइफ इन सिटीज एंड कम्युनिटीज, या ऑप्शन डी है इनोवेशन इन सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि UN हैबिटेट असेंबली जो हुई है उसका विषय क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेम द इंडियन कंपाउंड टीम दैट वॉन द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 2019, यानी कि भारतीय कंपाउंड टीम का नाम बताना है जिसने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 2019 को जीता है। तो ये हमें बताना, इनमें से ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए है सुमंगला शर्मा, धूलचंद कुदामोर एंड लिम्बाराम, ऑप्शन बी है मंगल सिंह चांपिया, डोला बनर्जी एंड सत्यदेव प्रसाद, ऑप्शन सी है अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और अमित सैनी, ऑप्शन डी है राहुल बनर्जी, तरुणदीप राय और जयंत तालुकदार। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, यानी कि अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और अमन सैनी जो है उनकी ये जो टीम रही है उसने विश्व कप तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 2019 को जीता है। तो ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड डैश इन इट्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, यानी कि अभी पिछले ही हफ्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार अपने अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण रोगों ICD में किसको मान्यता दी है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्लीप वेक डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है बर्नआउट, ऑप्शन सी है ब्लड प्रेशर या ऑप्शन डी है ट्रांसजेंडरिज्म। सो करेक्ट ऑप्शन इसका बर्न आउट। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु ऑन्स द रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग द मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन द ICC वर्ल्ड कप हिस्ट्री, यानी कि ICC विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड, सबसे अधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड किसके पास है। ऑप्शन है AB डिविलियर्स, ऑप्शन बी है क्रिस गेल, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर या ऑप्शन डी है रिकी पॉइंटिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी क्रिस गेल। तो क्रिस गेल जो है उन्होंने ICC विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक छक्के मारने का इनका रिकॉर्ड बन गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए एलिजाबेथ सेकेंड, ऑप्शन बी है मैलकॉम टर्नबुल, ऑप्शन सी है माइकल मैककॉर्मैक या ऑप्शन डी है स्कॉट मॉरिसन। सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी स्कॉट मॉरिसन। तो स्कॉट मॉरिसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है कि नेम द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री का हमें नाम बताना है। सो ऑप्शन है ऑप्शन ए एन चंद्र बाबू नायडू, ऑप्शन बी है YS जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन सी है नवीन पटनायक या ऑप्शन डी है पेमा खांडू। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी YS जगन मोहन रेड्डी। तो ये बने हैं आंध्र प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है,
क्वेश्चन नंबर 8 है, विच सॉन्ग हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एयर पॉल्यूशन, यानी कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा गीत लॉन्च किया है? सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रदूषण भगाओ, ऑप्शन बी है वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी है हवा आने दे, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हवा आने दे। तो ये जो सॉन्ग है ये अभी यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यानी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये गीत जो है ये लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री का हमें इसमें नाम बताना है। ऑप्शंस है ऑप्शन ए नवीन पटनायक, ऑप्शन बी पेमा खांडू, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी हेमनंदा बिस्वल। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक जो है वो उड़ीसा के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है कि नेम द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो हमें अरुणाचल प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री का हमें नाम बताना है। इसमें ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी है नवीन पटनायक, ऑप्शन सी है पेमा खांडू, या ऑप्शन डी है नबम तुकी। सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी पेमा खांडू। तो पेमा खांडू जो है वो अरुणाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते क्या है कि इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज ऑन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब हुआ है ये हमें बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 27 में, ऑप्शन बी है 28 में, ऑप्शन सी है 29 में, या ऑप्शन डी है 30 में। सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी 29 में। तो 29 मई को अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो है वो हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते क्या है कि व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 30 में, ऑप्शन बी 31 में, ऑप्शन सी है 1 जून, या ऑप्शन डी है 2 जून। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी 31 में। तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच कॉलेज हैज साइन MOU विद इसरो टू सेट अप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पूर्वोत्तर में पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए किस कॉलेज ने इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन देख लेते क्या है, ऑप्शन ए है मिजोरम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, ऑप्शन सी है मणिपुर यूनिवर्सिटी, या ऑप्शन डी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु हैज बीन गिवन चार्ज फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमन, या ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन को अभी भारत के वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज द न्यू होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नए गृह मंत्री का हमें नाम बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी है रजनाथ सिंह, या ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन ए अमित शाह। तो अमित शाह जो है वो भारत के नए गृह मंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज द न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री का हमें नाम बताना है। ऑप्शन देख लेते क्या है, ऑप्शन ए है सुरेश प्रभाकर प्रभु, ऑप्शन बी है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी है सुब्रमण्यम जयशंकर, या ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमन। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, यानी कि हरदीप सिंह पुरी जो है वो भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नए रक्षा मंत्री कौन है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए के सिवन, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमन, या ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। सो करेक्ट ऑप्शन इसका राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच सिटी इज नाउ द वर्ल्ड सदर्न मोस्ट सिटी, यानी कि कौन सा शहर अब दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर बन गया है। ऑप्शंस देख लेते क्या है, ऑप्शन ए है प्यूर्टो विलियम्स, ऑप्शन बी है उश्वेरिया, ऑप्शन सी है सैंटियागो, या ऑप्शन डी है एरिका। सो करेक्ट ऑप्शन इसका प्यूर्टो विलियम्स। तो प्यूर्टो विलियम्स जो है वो दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर बन गया है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 देखते क्या है कि इन इंडिया हु इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. तो भारत में नौसेना स्टाफ का प्रमुख किससे बनाया गया अभी हाल ही में. ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एम एस पनवर, ऑप्शन बी है सुनील लांबा, ऑप्शन सी है जी अशोक कुमार, या ऑप्शन डी है करमबीर सिंह. तो करेक्ट ऑप्शन है इसका करमबीर सिंह. तो करमबीर सिंह जो है वो भारत में नौसेना स्टाफ का प्रमुख बने हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्विज का. लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज द न्यू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नए विदेश मंत्री का हमें इसमें नाम बताना है. ऑप्शन देख लेते क्या है. ऑप्शन ए है सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी है सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमन, या ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह. सो करेक्ट ऑप्शन इसका सुब्रमण्यम जयशंकर. तो सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वो भारत के नए विदेश मंत्री बने हैं. इनके भी नाम हमें जरूर पता होना चाहिए. और हमारा वीकली क्विज यहीं तक था. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया. और इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. थैंक यू.